वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से एनिमल को अप्रोच कर सकते हैं और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनका हमें जो है ध्यान रखना होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि गाइज, हम एनिमल के बारे में सारी वीडियो अपने इस YouTube चैनल पर डालते रहते हैं। अगर आप कोई फार्मर हैं या वेटनरी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर, हम यहाँ पर कैटल की बात करने वाला हूँ कि कैटल को आप किस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो गाइस, सबसे पहले तो कोई किसी भी एनिमल को अगर आप अप्रोच करते हैं तो उसका ओनर उसके साथ होना चाहिए। मतलब जिसने एनिमल को परचेज़ किया है उसका ओनर उसके साथ होना चाहिए, क्योंकि एनिमल अपने ओनर के साथ बिल्कुल सिक्योर महसूस करता है। ताकि आप अगर उसको कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं या आप कुछ भी एनिमल के साथ करते हैं या उसकी डिसबर्डिंग करते हैं तो एनिमल को सिक्योर महसूस होता है, तो जिससे वो मतलब आपको जो भी आप कर रहे हैं वो करने देता है, जो भी एक्टिविटी आप करते हैं। ठीक है गाइस। और दूसरा, अगर बात करूँ मैं कैटल की, तो कैटल को आपको लेफ़्ट साइड से हमेशा अप्रोच करना है। जी हाँ दोस्तों, लेफ़्ट साइड से ही आपको कैटल को अप्रोच करना है। और मिल्किंग भी हम कैटल की लेफ़्ट साइड से ही करते हैं, चाहे वो बुफेलो हो चाहे वो कैटल हो, मिल्किंग हम हमेशा लेफ़्ट साइड से ही करते हैं। और गाइस, जो कैटल की पिछली टांगें होती है जिससे वो हमें किक भी कर सकती है, या जब हम आर्टिफिशियल एसेमिनेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसका भी एक मेथड होता है पीछे खड़े होने का, जब हम एआई करते हैं। तो गाइस, अगर आप एआई कर रहे हैं या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल कैटल के पीछे जाके खड़े नहीं हो जाना है, आपको थोड़ा साइड में खड़े होना है। क्योंकि कैटल जब किक मारती है तो वो राउंड वाइज किक मारती है, बिल्कुल पीछे को सीधे वो किक नहीं मारती है, वो राउंड साइड किक मारती है जिससे आपको चोट लग सकती है। तो गाइस, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और आपको बिल्कुल एनिमल के पीछे और एनिमल के सामने खड़े नहीं होना है, क्योंकि अगर गाय को हॉर्न है तो आपको अपने सींगों से भी चोट पहुंचा सकती है। अगर आप बिल्कुल कैटल के, आपको कैटल को हमेशा साइड से अप्रोच करना है और लेफ़्ट साइड से आपको एनिमल को अप्रोच करना है। और दोस्तों, बात करें डॉग की, तो डॉग के लिए आपको बहुत ही सेफ्टी रखनी होती है जब उसको इंजेक्शन लगाते हैं या कुछ भी करते हैं डॉग के साथ। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और प्रैक्टिकली हम वर्क करके उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से डॉग को अप्रोच करते हैं। और गाइस, और भी कई बातें होती हैं एनिमल के को लेकर। एनिमल को आपको मतलब डराना नहीं है इंजेक्शन लगाते समय, या कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना है जिससे एनिमल घबरा जाए। अगर एनिमल एक बार घबरा गया तो वो आपको कुछ एक्टिविटी नहीं करने देगा, क्योंकि गाइस जब एनिमल घबरा जाता है तो वो कुछ भी करने नहीं देता, ना वो आपको इंजेक्शन लगाने देगा, ना वो आपको मतलब कुछ भी करने नहीं देगा। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।